हिना यानी मेहंदी जो महिलाओं को लड़कियों के सजने संवरने के काम आती है, वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, खूबसूरती को इजहार करती हैं। पिया की मेहंदी लगाई जाती, शादी विवाह में तो वर वधू दोनों मेहंदी लगाते, लेकिन आज हम जबलपुर में मेहंदी का एक अद्भुत कमाल दिखाएंगे। मेहंदी से दुनिया की सबसे बड़ी तिरुपति बालाजी भगवान की एक पेंटिंग तैयार की, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। ये 5 वर्ग मीटर की पेंटिंग है और इसकी खासियत है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस मेहंदी में देख सकते हैं आप तिरुपति बालाजी भगवान का अद्भुत दृश्य चित्र दिख रहा है, उनकी खूबसूरती देख सकते हैं, माँ पद्मावती है, महालक्ष्मी है, लक्ष्मी उनकी माला में लक्ष्मी जी को पिरोया गया। और ये कमाल किया है जबलपुर की बेटी दीक्षा गुप्ता ने, तो हमारे साथ खुद दीक्षा गुप्ता इस समय मौजूद है। दीक्षा के हाथ में देख सकते हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है वो उनके पास। आई हम उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की और ये ख्याल कैसे आया कि भगवान बालाजी की इस तरह की अद्भुत चित्रकला तैयार की। दीक्षा ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि ये कैसे प्रेरणा मिली, कब से ये शुरू किया कि ये बालाजी भगवान की और मेहंदी से आप इस तरह से चित्र बनाओ। सर पहले तो जब 2017 में मैंने स्कूल ख़त्म किया अपना 12वीं से सरस्वती शिक्षा मंदिर से, फिर उसके बाद कॉलेज में गई मैं, ग्रेजुएशन हुआ, जब बीच में जब वो अपना आपदा का काल आया था ना कोविड का, तो लॉकडाउन में मैंने ये सब शुरू किया है। आप सोच सकते हैं कि अब मैंने सोचा था कि क्यों टाइम वेस्ट करना, इधर उधर बैठ के फालतू टाइम वेस्ट करेंगे। मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर इतनी अच्छी कला दी है भगवान ने मेहंदी लगाने की, तो मैं कुछ मेहंदी से करके दिखाती हूँ। तो फिर मैंने पहले तो राम दरबार बनाया, बहुत खूबसूरत माता रानी की तस्वीर चित्र बनाया। उसके बाद मैंने सोचा, कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं खुद इतनी बड़ी, क्योंकि मैं कोई भी पेंटिंग बनाती हूँ ना सर, मैं भजन सुनते सुनते बनाती हूँ। वो कहते हैं भगवान का भाव आता है, भक्त भगवान अधूरे भक्त के बिना, वही बात है। क्योंकि यदि मैंने बनाया, मेरा अगर प्रभु का इसमें 75% हाथ है और मेरा 25% 25% हाथ है, तो प्रभु की प्रेरणा से ये प्रभु की ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। आप सोचते होंगे, लोग सोचते कि किसी से इंस्पायर हुए, नहीं, मैं अपने प्रभु से इंस्पायर हुई हूँ और मैं भजन सुनते सुनते बनाया है मैंने प्रभु को। अच्छा ये बताओ कि कुछ मेहंदी का पहले से कोई ट्रेनिंग मैंने लिया है कि अपने मन से ही मेहंदी? नहीं, मैंने कहीं पे कुछ भी नहीं सीखा, ये सब कुछ मुझे भगवान का दिया हुआ तोहफा है और मैंने उनको अपनी कला में निखार दिया है। और वो क्योंकि प्रभु को, और मैंने कहीं, ये जो आप पेंटिंग देख सकते हैं ये मैंने कहीं देखा नहीं है, ये मेरे प्रभु जो मेरे अंदर की भाव है ना, वो प्रकट हुई है वो। क्या बात है, अद्भुत बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं देख के बना रही हूँ या फिर हम कुछ, क्या होता है कि कुछ चीजें अगर हम देख के कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं ना, तो वो चीज इतनी अद्भुत नहीं बनती है। यदि हम दिल से प्रभु को याद करके बनाते हैं ना, चाहे वो खाना हो चाहे चित्रकारी हो, हम बहुत वो तो उसके बड़ी बारीकी से बना। हमने देखा है कि माला में लक्ष्मी जी को पुराया है, पद्मावती है, लक्ष्मी जी, तो क्या क्या इसमें पिरो दिया आपने ये 5 वर्ग मीटर की एक पेंटिंग में हिना की? आप देख सकते हैं कि प्रभु का जो मुकुट देखेंगे आप, मुकुट में आप देखिए सबसे ऊपर शीश में उनके माता लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी का एक कितना मनमोहक चेहरा दिख रहा है, भोला सा, करुणामयी जैसे कहते हैं ना कि टेढ़ा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। तो आप देखिए कि महालक्ष्मी जी को, अब उनके वस्त्रों को आप देखिए कि उसको, उनके वस्त्रों को मैंने किस तरीके से बारीकी से डिजाइन किया है। ऐसा नहीं कि मतलब नए आधुनिक समय के वस्त्र, मैंने वो प्राचीन समय के वस्त्र देखेंगे आप, वस्त्रों में जो नक्काशी की गई है बारीकी से वो देखिए आप, और उनके फेस का एक्सप्रेशन देखिए, बिल्कुल जैसे रामलला लग रहे हैं, इसी लग रहा है रामलला ऐसे ही बने हैं बिल्कुल, है ना? हाँ, वो उनकी तो बात ही अलग है प्रभु की। अब उनका वर्णन, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम उनको, मतलब भगवान तिरुपति के तो स्वरूप है भगवान राम भी, हाँ उन्हीं के स्वरूप है, लेकिन हम इंसानों में इतनी सामर्थ्यता कहाँ है कि उनको, मतलब हम इमेजिन कर सके और प्रभु को उनका उनका वर्णन कर सके। तो ये प्रभु के जो उनका दिया हुआ जो कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है, तो उन्होंने साथ दिया तो वो बना। ये बताओ ये मेहंदी आपने कब बनाई, इसमें कितना समय लगा और कितनी मेहंदी इसमें लगा दी आपने? सर इसे बनाने में मुझे 3 महीने लग गए, क्योंकि मैंने अकेले बनाया है और एक दिन में मैंने 6 घंटे दिए हैं तब जाके बनी है। क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी बारीकी नक्काशी जो की गई है उसमें, उसको करने में ही, क्योंकि घर पे मैं मेहंदी भी कहीं से ख़रीदा नहीं, मैंने मेहंदी का पाउडर घोला उसमें, फिर उसमें ऐड किया ऑयल वगैरह, फिर उसके बाद कोन में बनाया,
उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया है। और ये जो शीट देख रहे हैं आप, ये जो ये कागज की देख रहे हैं, ये आइवरी शीट है ना। तो लोग, कुछ लोगों का, अब मैं आपको एक डाउट जो है क्लियर करती हूँ मैं, कि कुछ लोग बोलते हैं मेहंदी तो हम हाथ में लगाते हैं तो वो झड़ जाती है, लेकिन जब ये हम अपने हाथ से घर पे बनाते हैं होममेड, तो उसमें ये जो कागज है उसमें जाके ये ऑब्जर्व हो गया, चिपक गया। आप अगर ऐसे करके भी देखेंगे तो ये झड़ेगा नहीं। आप सोख लिया अब उसमें, ये ऐसे करेंगे, हाँ आकार दे दिया, अब ऐसे आप करेंगे तो ये झड़ेगा नहीं अपना, है ना। तो ये जोड़ जोड़ के बनाया कागज, कितना जी, बड़ा कागज, इतना बड़ा, इतना बड़ा कागज मैं शहर में ढूंढी नहीं मिला मुझे। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी पेंटिंग, मुझे तो लगा था ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 फुट की बनेगी, लेकिन प्रभु का हाथ था तो वो आज 9 फुट में वो लोगों ने, उन्होंने मतलब रूप ले लिया अपना। और ये 12 आइवरी शीट को जोड़ के मैंने बनाया है, इसमें 2 kg मेहंदी लग गई अपनी, 2 किलो मेहंदी दीक्षा गुप्ता, इंडियन जोधपुर मध्य प्रदेश इंडिया, 5 अगस्त 2023 को आपको मतलब ये रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसको कैसे प्राप्त किया आपने, ये कैसे भेजा और कैसे इन्होंने आपके काम को इस लायक बना? सर 2022 में जब मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम पे तो मेरा टाइटल जो है वो कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद मुझे 2023 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, जिसका टाइटल था लार्जेस्ट पिक्चर्स ऑफ तिरुपति बालाजी मेड बाय, हाँ लार्जेस्ट पिक्चर्स ऑफ तिरुपति बालाजी मेड बाय इंडिविजुअल हिना मेहंदी कोन। तो वो लार्जेस्ट हिना पेंटिंग, वो मैंने टाइटल उसमें अपलोड किया था अपना। पहले तो वो लोग आपका नाम नंबर वगैरह ये पूरा डिटेल लेते हैं कि आप रहते कहाँ हो, किस क्षेत्र में रहते हो, वेरीफाइड करते हैं। वेरीफाइड करने के बाद वो आपसे टाइम मांगते हैं और आपका फाइनल करने के लिए, लाइक पहले वो आपसे $5 मांगते हैं कि आपका टाइटल रिजेक्ट कर दो, फीस होती है छोटा सा वो आपको पे करनी पड़ती है। फिर उसके बाद वो लोग 3 मंथ्स का टाइम मांगते हैं कि आपका हम टाइटल एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कि दुनिया में हम इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी कलाएं भरी हुई है, तो आए दिन कोई ना कोई अपना कला को मारने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजता रहता है। तो क्या हुआ कि 24 जुलाई को मेरा टाइटल एक्सेप्ट हुआ, 24 जुलाई 2023 में। उसके बाद मैंने तैयारी की, उसमें भी वो लोग क्या करते हैं कि एविडेंस मांगने के लिए पूरा आपको वीडियो बना के भेजना पड़ता है, आपने आप बना के दिखाओ। पर मेरी पहले से ही ऑलरेडी पेंटिंग बन चुकी थी तो उनको मुझे प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया। तो उनको एविडेंस भी दिया और विटनेस भी देखा, विटनेस स्टेटमेंट दिया, और जो इसके पहले जो पेंटिंग्स वगैरह बनाया वो भी दिया, और जो मीडिया कवरेज था वो भी दिया। सब कुछ देने के बाद वो लोग 3 महीने के बाद आपसे सर्वे रिपोर्ट मांगते, वेरीफाई करने के बाद सर्वे रिपोर्ट, हाँ सर्वे रिपोर्ट, 3 मंथ्स का टाइम मांग के सर्वे रिपोर्ट मांगते हैं। और सर्वे रिपोर्ट में बोलते हैं कि आप अपनी पेंटिंग का मेजरमेंट करवा के दिखाइए। फिर उसके बाद वो लोग कोशिश करते हैं कि और टाइम मांगते हैं। वो ऐसा नहीं प्रोसेस कि आपने अटेंड मतलब बड़ी, बड़ी पापड़ बेलने पड़े इसके लिए आपको, पापड़ बेलना, पापड़ बेलने के बाद सुखाओ, वापस उसको बनाओ, फिर उसके बाद बनाओ। मतलब उन्होंने 5 अगस्त को ये मांग लिया 2023 को, हाँ ये दुनिया की गिनना की सबसे बड़ी, हाँ पेंटिंग है, स्वीकार कर लिया और आपकी जो मेहनत थी वो सफल हो गई, सफल हो गई। और आप मैं देखो कि जैसे मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट दिया है ना, तो मैंने ऐसे नहीं कि अकेले दिया, अकेले तो मैंने दिया है, पर इसमें बहुत से लोगों का साथ भी है, जैसे मेरे दोस्तों का है, और एक जो वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सपर्ट है सनी रंजन पासवान जी, उन्होंने मेरी हेल्प सहायता की, और ऐसे बहुत लोगों ने, मैं जिनका नाम अगर लूंगी तो शायद कम पड़ जाए। तो अब अच्छा ये बताओ, ये उपलब्धि हो गई आपका, ये गौरव है आपको, ये हासिल हुआ है भगवान तिरुपति बालाजी की ये जो हिना से बनी चित्र है, अब इसका क्या करोगी आप? इसका, इसका तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आपको पेंटिंग यहाँ पे लगानी होगी वहाँ पे, पर मैंने सोचा है कि ये पेंटिंग बड़ी जगह जाने से पहले हम जबलपुर में एक छोटा सा, एक छोटा सा ग्रैंड फंक्शन करेंगे, जहाँ पे जबलपुर के हर एक व्यक्ति को, हर एक स्कूल के बच्चों के, स्कूल के कॉलेज के बच्चों को मैं वहाँ इन्वाइट करूँगी, और मैं ये बताऊँगी कि कभी भी कोई भी कलाकार जो होता है किसी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं होता है। आप छोटे से ही शहर में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। और ये हम अगर सोच लें कि हम अपने शहर को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, मैं अब
मानिए मेरी बात को, आज संस्कार धारणी का नाम उस लेवल पे होगा कि लोग याद करेंगे कि उस शहर से लोग ऐसे बच्चे आते हैं कि जहाँ पे कला की भरमार है, जहाँ पे टैलेंट कभी खत्म नहीं हो सकता। तो अब दीक्षा ये बताओ, तिरुपति बालाजी का तो चित्र बना लिया, इसको एक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, अब क्या फिर नया रिकॉर्ड बनाने की इच्छा है मन में? जी बिल्कुल है, मैं अपना रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती हूँ जी, कि मेरे मामा जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हर चीज बनी टूटने के लिए, दिल बना टूटने के लिए, पत्थर बना टूटने के लिए, शीशा बना टूटने के लिए, तो आज तुम रिकॉर्ड बनाई हो तो कल कोई और रिकॉर्ड होल्डर हो सकता है, तुमसे पहले तुम्हारा कोई रिकॉर्ड तोड़े तुम अपना खुद रिकॉर्ड करेगा। तो अब क्या ठाना है कि क्या बनाने की सोचा है, कुछ दिमाग में आ रहा है कि फिर भजन सुनोगी फिर बुलाओगी? नहीं, भजन सुनती हूँ, डेली सुनती हूँ, जाप भी करती हूँ, तो वो तो हमेशा भगवान, तो रात में सोते समय भी मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं सिर्फ पेंटिंग कर रही हूँ, मैं कभी बैठ के कुछ सोचती हूँ तो सिर्फ मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं पेंटिंग कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। मेरे दिमाग में कुछ ऊटपटांग तो आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं अगर चाहूँ भी कुछ ऐसा कुछ हटके करना, नहीं सोच सकती मैं, वो परमिशन नहीं है भगवान की तरफ से। तो हाँ है, बहुत कुछ अद्भुत सोच लिया है मुझे क्या बनाना है, अद्भुत है, अगर मैं अभी से बना दूंगी बता दूंगी तो वो एक्साइटमेंट खुल जाएगा। बताओ कि ये पेंटिंग हिना से ही बनाने का ख्याल क्यों आया, मेहंदी से क्यों आया? मेहंदी अमूमन से, मेहंदी से पेंटिंग की बात अमूमन सुनाई नहीं देती, मतलब कि मेहंदी से कुछ ऐसा बनाया, हाथ पे लगाया, सजाया, वो किया, ये सब चीजें तो खूब दिखती है, लेकिन इस तरह से कागज पे मेहंदी से कोई पेंटिंग बनाना, ये दिमाग में कैसे ख्याल आया? देखिए मैं जिस शहर में रहती हूँ उसे कहते हैं संस्कार धारणी, मैं संस्कार धारणी की एक बेटी हूँ। तो हिंदू हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो मेहंदी जो होती है वो सुहाग की निशानी होती है, तो सुहाग की निशानी होती है, तो मैंने सोचा कि कुछ इससे हटके बनाया जाए, और ये तो काफ़ी प्राचीन साल से मनी चली आ रही है, लोग रंगों से तो सब पेंटिंग कर लेते हैं, बाकी चीज़ों से भी बहुत पेंटिंग कर लेते हैं, पर कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग सोचे तो सोचते रह जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मैंने बताया कि सब कुछ हो सकता है। तो देखिए ये बात एक लड़की या एक महिला ही सोच सकती है कि मेहंदी जो है सुहाग की निशानी होती है, और इस सुहाग की निशानी को उसने अद्भुत रूप दिया और कागज पे भगवान तिरुपति बालाजी के एक अद्भुत चित्र बनाया, ऐसा चित्र बनाया कि आज उसका पूरी दुनिया में नाम हो रहा है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका ये नाम दर्ज हुआ, उसकी उपलब्धि को एक रिकॉग्निशन मिला, और उसकी इच्छा है कि अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ेगी और एक नई पेंटिंग बनाएगी, लेकिन वो किसकी पेंटिंग होगी ये अभी रहस्य रखना चाहती, क्योंकि उसका कहना है कि अगर ये हमने अभी बता दिया तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। तो अब संस्कार धानी को इंतजार है कि दीक्षा गुप्ता अगली क्या चित्र बनाती है, क्या कलाकृति बनाती है जो पूरी दुनिया में उनका और संस्कार धानी का नाम रोशन करे। अजय त्रिपाठी, ABP News, जबलपुर।